हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी बनवाल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे एक हेल्दी सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपसे दो सूप की रेसिपी शेयर की थी, पर उसे आप डाइट में फॉलो नहीं कर सकते। आज मैं आपसे एक ऐसी सूप की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप डाइट में ले सकते। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग इस सूप को बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेल्दी एंड डाइट वाला सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स लिए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए जिंजर और गार्लिक, ऑरेगानो, चिल्ली फ्लेक्स, ऑलिव ऑयल, सेंधा नमक, ब्लैक पेपर, बारीक कटा हुआ धनिया और लेमन लिया है। इसके साथ ही क्विक ओट्स लिया है। अब हम सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप इसकी जगह पे रिफाइंड या फिर मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल को थोड़ा गर्म करने के बाद हम इसमें कटा हुआ जिंजर और गार्लिक डालेंगे। इसे हम थोड़े देर के लिए सौते कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करना है। इसके बाद हम इसमें हाफ कप ओट्स डालेंगे। यहाँ मैंने क्विक ओट्स लिया है। ओट्स को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि ओट्स में थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाए और ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो ओट्स का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। अब हम इसमें कुछ वेजेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप वेजेस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे वेजेस और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ वेजेस में ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, बीन्स और कैरेट लिया है। आप चाहे तो और भी अपने पसंद की वेजेस ऐड कर सकते हो, या जो आपको पसंद ना हो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। हमें सारी सब्जियों को ओट्स के साथ 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है। आप देख सकते हो सब्जी हल्की सी पक गई है। अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। हमें पानी यहाँ ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि ओट्स बहुत जल्दी थिक हो जाती है और हमें इसे सूप की कंसिस्टेंसी का बनाना है, इसलिए आप पानी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे एक लीड से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं एक बार सूप चेक कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब हमारा सूप रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए ऑरेगानो डालेंगे और साथ ही मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। आप याद रखना कि मैंने स्टार्टिंग में इसमें नमक नहीं ऐड करा है, हम इस नमक को सबसे लास्ट में ही ऐड करेंगे। इसके बाद हम सूप में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस सूप को बिना कॉर्नफ्लोर के ही बनाया है। आप देख सकते हो ओट्स ऐड करने से किसकी थिकनेस बिल्कुल सूप जैसी आ गई है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। ओट्स के ऐड करने से हमारा सूप हेल्दी भी हो गया और हम इसे अपने डाइट में भी ले सकते हैं। सूप बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस सूप को लेने से आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। मैं इस सूप को डिनर में लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस सूप को मैं थोड़ा और हेल्दी एंड टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। हमारा सूप बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हो ना कितना टेस्टी लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये ओट्स का बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की। तो सबसे पहले हम जो भी वेजेस लेंगे उसे हम बारीक कट करेंगे ताकि जब हम इसे पकाएं तो उसे पकने में बहुत कम समय लगे। सेकेंड थिंग कि आप इस सूप को गर्मा गर्म ही लें, इससे इस सूप का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस सूप को PCOS, PCOD, थायराइड, डायबिटिक्स, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स भी ले सकते हैं। PCOS, PCOD एंड डायबिटिक्स वाले लोग कॉर्न का इस्तेमाल ना करें और साथ में रोल्ड या स्टील कट ओट्स का इस्तेमाल करें क्विक ओट्स की जगह पर। और थायराइड के पेशेंट ग्लूटेन फ्री ओट्स का यूज़ कर सकते हैं और बीन्स की जगह पर कोई और सब्जी का यूज़ भी कर सकते हैं। ओट्स एंड वेजिटेबल्स की वजह से ये काफ़ी लाइट होता है, पर आपको इससे बार बार भूख भी नहीं लगेगी। सो गाइज, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको ये कैसी लगी। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना।